हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है अपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी का, इसका पार्ट नंबर 5। ठीक है, सो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस के लिए हमारा ये वाला पार्ट है और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा। ओके गाइस, सो गाइस आप लोग इस वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो यू कैन गिव मी एनी सजेशन, आप कुछ भी देना चाहो आप दे सकते हो बिंदास, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बस सारी वीडियोस को आप लोग देखो मस्त आराम से और बहुत पढ़ाई करो जितना हो सके। कोई भी अगर तुमको मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। और हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो चुका है, हमारा सिर्फ बाकी है अभी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इस महीने के लास्ट तक पूरा खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, बस पढ़ते रहो तुम लोग, क्योंकि एग्जाम तो यार मई में होने वाली है बट अभी फिक्स नहीं है। अगर मान लो सीबीएसई ने पहले से ले लिया तो फिर आपका भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है, कोई एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी न्यूज आती है उस हिसाब से, तो आपको उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। आप लोग को बस क्या करना है कि अभी के लिए पढ़ाई करते रहनी है। ठीक है, चलो। सो गाइस, आज हमें पढ़ना है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली बहुत, अब यहां से जितना भी टॉपिक है बहुत आसान है, मतलब कि यार कुछ समझने जैसा नहीं है, बस यहां से एग्जाम में आएगा ना तो आपको थियोरेटिकल आंसर्स लिखना पड़ेगा और जो मैं आपको बोल दूंगा मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो बस। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आप खुद भी एक बार रीडिंग करके देखो एक बार, तब आप लोग कहना कि हाँ यार सच में सर ने बोला है जो बहुत आसान है और बहुत ही मतलब चिंदी है। ठीक है, सो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं और कुछ भी समझने जैसा नहीं है, जो समझना था वो स्टार्टिंग के चार पार्ट्स में समझने वाली बातें थी। तो आज हमें देखना है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। अगर आप बोलोगे ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, तो ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज लेके जाना, और जेनिक मतलब जीन्स को, जैसे कि मान लो हमने देखा था इसके पहले ये एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है, तो इनके बीच में जो जीन्स का ट्रांसफर हुआ वही हमारा ट्रांसजेनिक कहलाता है। समझ गया, तो ये हमारे कहलाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं, पहली बात तो देखो अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूं यार, तो ह्यूमन बींग्स जो हुआ करते थे पहले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, ये आपको भी मालूम है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, देखो अभी इसको कब समझाना है, ऐसे आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ जरा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, आपकी हमारी इंसानों की सभी की पॉपुलेशन बढ़ी है, ऐसे थोड़ी है। तो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमारे एग्रीकल्चर में भी रीअसेसमेंट आने लग गया, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव आने लग गए, बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक वे ऑप्टिमाइज होने लग गया, हमारा एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज हुई, एग्रीकल्चर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, मतलब एग्रीकल्चरिंग जो था थोड़ा बढ़ा है। पहले तो बहुत गरीबी थी इंडिया में, आप जानते भी हो हम लोग वीट वगैरह भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किया करते थे बाहर के राज्यों से, बाहर के कंट्रीज से, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हम खुद ही बाहर देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो सारी चीजें ऐसे ऐसे हुआ करती थी, ये सारी चीजें हैं। फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स बहुत दिमाग वाला बनते गया और इसके अंदर क्वालिटी भी धीरे धीरे आती गई और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, तो एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स बनते गया। ठीक है, एक एग्रीकल्चर भी एक अकेला खुद का एक इंपॉर्टेंट प्लांट जैसा बन गया। ठीक है, ये बात आपको समझ सकते हो। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने उसमें ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दी। अब ब्रीडिंग मालूम है ना क्या होता है, कि जैसे कि मान लो एक प्लांट है हमारा और उस प्लांट ज्यादा हमको यील्डिंग देता है, ज्यादा हमको प्रोडक्शन देता है, तो हम इसके अंदर के जेनेटिक कैरेक्टर्स को, जो भी इसके अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स को हम इसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये भी अच्छा खासा हमारी मतलब बेस्ट एक तरीके से यील्डिंग देने लगेगा। इसी को हम कहते हैं ब्रीडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा गाय वगैरह, साहिवाल गाय होती है ना, काऊ, तो ये गाय वगैरह में भी बहुत सारी ब्रीडिंग, हरियाणवी गाय होती है, ये बहुत ज्यादा मिल्क वगैरह देती है, जर्सी होती है, ये सारी मिल्क बहुत ज्यादा गाय वगैरह देती है, जो मतलब मिल्क है बहुत ज्यादा देती है मिल्क ये सारी गाय। ठीक है, सो ये सब ब्रीडिंग करवाते हैं हम इनका, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब अब बढ़ चुकी है और इंडिया में तो बहुत खतरनाक तरीके से इसका, इस टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स का फॉलो करते हैं हम, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से ब्रीडिंग करते हैं, कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है बट मतलब नॉर्मल है। अब अगर आप एनिमल का इस्तेमाल करते हो तो उनके लिए थोड़ा सा पेन तो होता ही है, बट इट्स ओके, हम इंसान अपने डिजायर के लिए कुछ भी करते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे जीन्स का इधर से उधर ट्रांसफर करके और जहां पे हमें ज्यादा चीजें मिलती हैं उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, जैसे कि मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या प्लांट्स की, तो जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे एडवांटेजेस में, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। अब इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस ये क्यों बनाया गया, पहले इसका पर्पस जानो, मैं आपको खुद से रियल लाइफ एग्जांपल्स देके बताऊंगा। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग ना बहुत सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे फॉर मोर यील्डिंग, जिससे कि हमको ना एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फायदा हो। तो क्या करते थे कि हम लोग ना बहुत सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते और वो केमिकल से बना करते थे, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोफ्लोरोएसिटामाइड से केमिकल। ठीक है, तो नाइट्रो फ्लोरो एसिटामाइड, आपको पता भी होगा नाइट्रो फ्लोरो
एसिटामाइड, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किया करते थे। ये बेसिकली आपने देखा भी होगा गांव वगैरह में, देखो पीछे एक पंप जैसा रखते हैं और फिर पूरे पूरे फील्ड में हम छिड़कते हैं ना, स्प्रे करते हैं, है ना, उसमें से ऐसा पूरा चारों तरफ आपने देखा रहेगा गांव वगैरह में, एग्रीकल्चरिंग जो फार्मर्स होते हैं वैसा करते हैं। तो उसके अंदर नाइट्रोफ्लोरो एसिटामाइड ही रहा करता है। बेसिकली इससे होता क्या है, जो हमारा प्लांट होता है ना, प्लांट तो प्लांट को तो फायदा होता है, लेकिन इससे सॉइल को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सॉइल को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमारे प्लांट्स के रूट्स को नाइट्रोजन चाहिए रहता है, तभी हमारा प्लांट्स का रूट्स जितना नाइट्रोजन दोगे उतना वो ग्रो करता है, बट सॉइल को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, इससे सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इसी वजह से ना बहुत ज्यादा फिर मतलब सॉइल में प्रॉब्लम आ जाती थी अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो अब इंसेक्ट को, अब देखो ये इसका बेसिक यूज क्या था, इंसेक्ट को मारने के लिए। तो इंसेक्ट को मारने के लिए अब ऐसे पेस्ट बनाए गए हैं बाय यूजिंग सब जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, जिससे कि ना हमारा जो पॉल्यूशन है वो पेस्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड बनाने लगे हम लोग, जिससे कि ना जो केमिकल को रिडक्शन हुआ है, केमिकल को हमने रिड्यूस किया है और फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो कॉस्ट भी कम हुई है और हमारे फूड जो है ज्यादा यील्डिंग भी देता है और सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होता है, तो ये फायदा हुआ। ऐसा करते करते 30 साल से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 30 ईयर्स हमको हो चुके हैं। ऐसे बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, CIDE मतलब किल करना, इंसेक्ट को किल करना यानी इंसेक्टिसाइड, तो ऐसे बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, बैक्टीरिया में से बैसिलस थुरिंजेनेसिस, बीटी, आपने बीटी कॉटन, बीटी राइस ऐसे सुना भी होगा, तो ये बैसिलस थुरिंजेनेसिस ऐसे ही बैक्टीरियास का भी इस्तेमाल हम करते हैं जिससे हमें फायदा होता है, और ये बैक्टीरियास दूसरे को किल करके और हमें फायदा दे जाती हैं, तो ये इनका बहुत ज्यादा एक उपयोग है, एक यूजेस है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने पॉल्यूशन को बचा सकते हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी वाला प्रोटीन को गेन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में से, समझ गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मान लो अगर मैं अगर एक सब्सटेंस है जैसे प्रो विटामिन ए, तो ये इसका पोटेंशियल बेनिफिट होता है एंटीऑक्सीडेंट का, ये राइस से हमें मिलता है, और इसके अंदर कौन सा ट्रांसजीन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम है फोटोइन सिंथेज या लाइकोपिन साइक्लेज, ये ट्रांसजीन है, अगर ये इस्तेमाल करोगे तो आपके राइस में ज्यादा विटामिन ए आ जाएगा। अगर विटामिन ई चाहिए तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स कैनोला नाम के क्रॉप में मिलता है, अब आप गूगल में सर्च कर लेना, सारे क्रॉप्स अपने इंडिया में नहीं होते हैं, ठीक है, बस राइस बहुत ज्यादा होता है कैनोला, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट फिर भी आप ट्रांसजीन्स इसका इस्तेमाल कर लो, यहाँ पे गैमा टोकोफेरॉल मिथाइल ट्रांसफ्रेज इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऐसे फ्लूवोनॉइड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट है टोमेटो में इस्तेमाल होता है, ऐसे फ्रक्टेंट्स जो है लो कैलोरी वाला होता है, आयरन जो है आयरन फोर्टिफिकेशन राइस में इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ट्रांसजीन है फेरिटिन या फिर मेटालो थियोइन या फिर फाइटेस, कोई भी इस्तेमाल करो आप करो, लेकिन इनका नाम याद रखना फॉर द एमसीक्यू पर्पस, यहां से एमसीक्यू आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। ओके, तो ये बातें आपको थोड़ा याद रखनी है, और भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको सबको लाइन से बताऊंगा, आपको ये सब पढ़ने की सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा, मीनिंग में बहुत आसान तरीके से आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि आपको नोट्स भी देनी पड़ती है ना इसके लिए। तो इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, बायो फोर्टिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, मतलब कि जैसे कि मान लो कोई आपके सामने प्लांट है या कोई भी आप जैसे वीट या राइस कुछ भी आप एग्रीकल्चरिंग करते हो, उसमें ज्यादा आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे, फिर आप उसके अंदर न्यूट्रिशन की क्वालिटीज को इंप्रूव करवाओगे, तो इसी प्रोसेस को करवाने के प्रोसेस को हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। बट ये होता कैसे है, तो इसके लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वही जैसे कि एक प्लांट इसमें कुछ नहीं है तो दूसरे प्लांट पे तो रहता है ना, तो उस प्लांट्स के जीन्स को इसमें डाल दो तो इसके अंदर भी न्यूट्रिशन आ जाता है, तो यही होता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि फूड या फिर न्यूट्रासियाटिकल्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। न्यूट्रासियाटिकल्स आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर लिखा रहता है, दवाइयों के ऊपर भी न्यूट्रासियाटिकल लिखा रहता है, जो न्यूट्रिशन बेस्ड किसी भी प्लांट्स या फूड का प्रोडक्शन करवाते हैं उसे न्यूट्रासियाटिकल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि बायो फोर्टिफिकेशन यानी कि इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज और वैल्यूज, इसको हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, इसमें हमारी ये मदद करता है। अब गाइस ऐसे मिलियंस ऑफ द पीपल्स जो है इस दुनिया में पूरे कंट्रीज भर में ये राइस तो खाते ही हैं, चाहे जो भी हो जो इनका मेन डाइट है, बट बहुत सारा क्या हो जाता है ना, कभी कभी राइस तो हम खा देते हैं, पेट भर के चावल खाते हैं, लेकिन उस चावल में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, इसीलिए हमने सुना भी है कि हम कितना भी खाएं लेकिन हम मोटे नहीं होते या फिर फैट नहीं आता, खाना तो कितना भी खाते हैं, तो उसकी गलती नहीं है, उसके खाने में ही न्यूट्रिशन नहीं है, खा लो कितना भी खाओगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा रहे हो। अब वही रोटी दूसरा खाता है वो बंदा आगे बढ़ता है बिकॉज वो अमीर है। तो ऐसे राइस ऐसे जो मतलब वीट होते हैं बहुत महंगे आते हैं, वो सब लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, और जब उसे सब लोग पूरे दुनिया के सभी लोग उसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको बेचारों को मतलब एबुंडेंट अमाउंट में यानी कि जितना पर्याप्त मात्रा में उन्हें चाहिए उतना उन्हें नहीं मिल पाता है कोई भी न्यूट्रिशन, तो फिर उनकी बॉडी में मैल न्यूट्रिशन हो जाती है और वो बेचारे मारे जाते हैं, समझ गया। तो ये बहुत ज्यादा बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग ने ट्रांसजेनिक
प्लांट्स बनाया गया है, और ऐसे प्लांट जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी रहेगा और कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कम कॉस्ट में ये मिल भी जाता है। तो गवर्नमेंट जो देती है, तुमने देखा रहेगा रेशन कार्ड अपने इंडिया में रहता है, उसके वजह से जो भी हमें खाना मिलता है बेसिकली उसमें न्यूट्रिशन होता है, ऐसी बात नहीं है। बट इतना नहीं कि जो अमीर लोग बासमती का राइस खाते हैं और मेनी मोर राइस के पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है वो सब खाते हैं, तो उनमें जितना होता है उतना तो इसमें नहीं होता है। तो यही रीजन होता है कि जो अमीर है उनके पास उतना ही खाना खाते हैं लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, गरीब ज्यादा भी खा लेता है लेकिन उसको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उसके लिए हम लोग ने बायो फोर्टिफिकेशन यानी कि इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इन द फूड मटेरियल्स, तो इसका इस्तेमाल हमने इस टेक्नोलॉजी का किया है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, जिसमें कम प्राइस में ज्यादा न्यूट्रिशन वाली चीजें हमें भी मिल सके। ठीक है, तो यही फायदा होता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन इन अ पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक आपका एक अगला पॉइंट है। अब इसके हिसाब से क्या होता है ये समझना, देखो पोस्ट हार्वेस्ट बोला है, एक बार हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू पोस्टिंग कर ली, मतलब कि हार्वेस्टिंग कर ली, हमने बना लिया कोई भी चीज को, लेकिन बनाने के बाद बोल रहा है पोस्ट हार्वेस्ट, समझ रहे ना, मतलब बनाने के बाद तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजेस लाइक पेस्ट है, ब्रूशिंग ऑन द सॉफ्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हीट, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब लॉस ऑफ फ्लेवर्स, ऑडर्स, ये सब चीजें बहुत सारी अवेलेबल होती है जो कि हमारे मतलब हार्वेस्ट में हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं किसी भी या फिर मॉडिफाई करते हैं किसी भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, तो उसके अंदर उसकी सुगंध गायब हो सकती है, फ्लेवर्स जा सकते हैं, ऐसे मतलब सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं वो हार्ड बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब बदलाव तो आएंगे ही ना जब आप डीएनए को चेंज करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी तो आप अच्छी डील को भी ले सकते हो उसको भी लॉस कर सकते हो, मे बी कभी कभी स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सब मॉडिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप एक बार मॉडिफाई करते हो तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स भी आपके पास आ सकती हैं अगर किसी प्लांट्स में या राइस में आप मॉडिफिकेशन करते हो। बट फिर भी ऐसा होता है कि मतलब फिजियोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस भी आ जाते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारी स्लो डाउन हो जाए और हमारा बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर टोमेटो की बात करूं तो टोमेटो एक एंजाइम रखता है अपने पास जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनोज, ये मतलब एक एंजाइम का नाम है, आपको इतना तो याद करना पड़ेगा ना, इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी, जो कि ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी सेल के या प्रोटीन के, जैसे पेक्टिन नाम का प्रोटीन इसके अंदर होता है टोमेटो के पास, ये बात आप थोड़ा याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट में पूछता है, तो पेक्टिन नाम को इसको ब्रेक करता है और जिससे हमारा जो पूरा टोमेटो है सॉफ्टनिंग उसके अंदर आ जाती है और रिपनिंग जल्दी होता है, यानी कि पक जाता है टमाटर, कच्चा टमाटर तो खाओगे नहीं, तो पकाने के लिए पेक्टिन जैसे जो हमारे पास प्रोटीन है इसको किल करना पड़ता है या फिर इसको कह सकते हो ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पॉलीगैलेक्टोरोनोज, ठीक है, इस एंजाइम का इस्तेमाल हम करते हैं टू ब्रेक डाउन दिस पेक्टिन और आफ्टर दैट हमारा टोमेटो क्या होता है अच्छे से मतलब रिपनिंग हो जाती है, पक जाता है जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी है। लेकिन हाँ, रिपनिंग के बाद फिर प्रॉब्लम आती है कि यार उसको अगर तुम ऐसे इतने ज्यादा पके हुए लाल टमाटर को अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो डैमेज हो जाता है, तो शिपमेंट में डैमेज हो जाएगा, तो फिर ये भी इशू होता है। तो ये सारी चीजें पोस्ट हार्वेस्टिंग में थोड़ी बहुत इशू आते हैं। अब एक मैंगो थोड़ा कच्चा मैंगो तो ट्रांसपोर्ट कर लोगे, पक जाएगा तो थोड़ा सा भी दब गया तो खराब हो जाता है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम भी आती है, ऐसी बात नहीं है। ओके, यही बात आपको वहां के बता रखा है। अगला है प्लांट एज अ फैक्ट्रीज, क्या बात है, तो प्लांट्स को फैक्ट्रीज के फॉर्म में, मतलब फैक्ट्री क्यों बोल रहा है यार प्लांट को, देखो प्लांट हमारा प्रोड्यूस करता है सुगर, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये सबको प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होता है, तो प्लांट भी एक टाइप का फैक्ट्री है, समझ गया। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो देखो ये पहली बात तो नोबेल बायोकेमिकल्स या वैक्सीन्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये जहां पे हैं हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल, मतलब कि बहुत सारे मतलब लाइफ का इस्तेमाल करके, इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके, मतलब बायो होता है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी तुम मेडिसिन का जनरेशन या वैक्सीन या बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बायोकेमिकल्स को बना सकते हो। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है जो कि पोटेंशियली प्लांट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि बायोकेमिकल्स में लाइक स्टार्च हो गया, हमारे बायोकेमिकल्स होते हैं सबके सब, हमने बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 में पढ़ के रखा है, अपने केमिस्ट्री में भी लिपिड है, प्रोटीन है, ऐसे बहुत सारे फाइन केमिकल्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनका फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में, प्लास्टिक प्रोडक्शन में, ऐसे परफ्यूम्स के बनाने के लिए परफ्यूम्स वगैरह, तो इन सब में हमारे प्लांट्स का अच्छा खासा योगदान है, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना अच्छे से। ऐसे बहुत सारे बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं जहां पे प्रोटीन, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, वैक्सीन, एंजाइम, अब इसको क्या आपको पढ़ाने में कुछ है क्या, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तो आपको याद करना है सारी चीजें, तो इनका इस्तेमाल भी हम बायोफार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हैं। मतलब बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब ये कि जहां पे आप प्लांट वगैरह का इस्तेमाल करके मेडिसिन बना सकते हो, समझ में आई मेरी बातें।
तो बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको समझनी है गाइस। अब थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से जान लो, बहुत सारे ऐसे ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें होती है जहां पे हम डीएनए के क्लोरोप्लास्ट में, जैसे कि डीएनए है और किसी भी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोबैको प्लांट्स में ऐसे ही होता है, हम करते हैं और कुछ नया बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज जो होती है ये हमारे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ाई करती है, अगेंस्ट उनके काम करती है, लाइक एचआईवी या फिर आरएसवी यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस या फिर हब्स सिंप्लेक्स वायरसेस, इनके खिलाफ या कोल्ड सोर जो होता है उसके खिलाफ भी हमारे बहुत सारे डीएनए वर्क करते हैं। बट हालांकि इन इन बीमारियों को मार नहीं पाते, बट फिर भी अगेंस्ट तो काम कर सकते हैं ना। अब एक एचआईवी का बंदा लाइफ टाइम भी जिंदा रह सकता है और कभी भी मर भी सकता है। तो अगर मान लो लाइफ टाइम जिंदा रहता भी, वैसे भी 10 साल की उसकी 10 साल मैक्सिमम जिंदा रह सकता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ या फिर किसी को एचआईवी हुआ तो मैक्सिमम 10 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद तो उसको मरना फिक्स है, उसकी मौत फिक्स हो जाती है, वो कभी भी मर सकता है। उसको सर्दी भी हुआ तो भी मर जाएगा। अगर किसी बंदे को एचआईवी हुआ है और अगर उसको सर्दी भी हो गई तो उसकी सर्दी लाइफ टाइम कभी ठीक नहीं होगी, वो लाइफ टाइम उसको सर्दी रहेगा और वो मर जाएगा, सर्दी से ही मर जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है क्योंकि एंटीबॉडी खत्म हो जाती है, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सब पढ़ रखा है, अगर आपने सारी वीडियोज देखी है तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंटीजन भी हम बनाते हैं प्रोटीन्स के लिए, बहुत सारे बी सेल्स हम क्रिएट करते हैं ना, लिम्फोमास आपको मालूम भी है, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सब पढ़ रखा है। तो ऐसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी ट्रांसजेनिक प्लांट का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ओके। अब हम देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं एडिबल वैक्सीन्स को, मतलब एक ऐसी वैक्सीन जिसका तुम इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एडिबल वैक्सीन्स, ओके। नाउ तो क्या होता है ना कि इस कंडीशंस में हम लोग बहुत सारे इंफेक्शियस डिसीजेस से लड़ने के लिए बहुत सारे अल्टर्ड प्लांट्स का इस्तेमाल करके, जेनेटिकली जो अल्टर्ड होते हैं प्लांट्स, मतलब कि जैसे कि एक ये प्लांट हो गया और एक ये प्लांट हो गया, तो इसके डीएनए को इसको करके हमने यहां से कुछ नया प्लांट बनाया था, है ना। तो वो जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट होता है, मतलब जीन्स को मॉडिफाई करके जो हम प्लांट्स बनाते हैं उन प्लांट्स का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज को किल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे वैक्सीन्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, ये इनएक्सपेंसिव भी रहता है और इसी में फायदा हो जाता है कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री जिसका इस्तेमाल करती हैं जिससे कि लोगों को आसानी से वैक्सीन दी जा सके बहुत कम खर्चे में। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, बनाना, सोयाबीन, अफाल्फा एंड सीरियल्स, ये बहुत सारे ऐसे प्रपोज्ड एडिबल वैक्सीन डिलीवरी के लिए बहुत मदद करती हैं। जैसे कि पोटैटो में भी बहुत सारी मतलब वैक्सीन होती हैं, टोमेटोज खाने से भी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं, बनाना खाने से बहुत सारी बीमारियां जैसे कैल्शियम फॉस्फेट की जो कमी होती है बनाना खाने से आप कर सकते हो, सोयाबीन खाओगे प्रोटीन आएगा, है ना। तो ऐसा खाने से ना, जैसे कि अभी टोमेटो खाते हो तो आपको विटामिन ए मिल सकता है ना। तो ऐसे सारी चीजें खाने से आपके अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है, वैक्सीन जैसा ही मिलता है, एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स मिलते हैं जिससे कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फायदा है जिसमें से आपको एडिबल वैक्सीन बिना कुछ खर्चा किए, इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्चा किए आराम से सारी चीजें निकल जाती है। अब इसमें से ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं ना, व्हाट अबाउट एनिमल्स। अब प्लांट्स मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं अब हम वो आपको बताने वाले हैं। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसकी नोट्स भी आपको नहीं दिया ना, तो अगर आपको ये टेक्स्ट बुक से रीड भी करते हो ना यार तो भी आपको समझ जाता है, बट फिर भी चलो मैं आपको पढ़ा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। कुछों के नोट्स दूंगा, कुछों के नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यार आप जानते हो कि ये बहुत आसान टॉपिक है, मतलब यार बस डीएनए को इधर उधर करके हमको करना है बस और कुछ नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स लाइक माइस, रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउ, फॉल्स, फिश, ये सब होते हैं ना, तो इनका हम लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं बायोजिंग आर डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इनका हम प्रोडक्शन करते हैं ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का। ये एनिमल्स जो होते हैं ना, मतलब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ये बेसिकली जिनते हैं किसको रेफर करता है, ये ऐसे एनिमल को जो डेलिबरेट करते हो मॉडिफिकेशन को ऑफ द जीनोम, मतलब जैसे कि देखो मान लो एक चूहा है, उस चूहे को आपको ट्रांसजेनिक चूहा बनाना है यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है, तो क्या करोगे आप उसको उसके अंदर डीएनए को क्या करोगे अपने डिजायर्ड तरीके से जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसके अंदर डीएनए को मॉडिफाई कर दोगे तो वो आपका ट्रांसजेनिक माइस बन जाएगा, ठीक है, चूहा बन जाएगा, समझ गया। तो ये होता है मतलब यार हम डेलिबरेट करते हैं मॉडिफिकेशन को किसमें, जीन्स में यानी जीनोम में, समझ गया। जीनोम मतलब जीन्स ही होता है, जीनोम मतलब ग्रुप ऑफ द जीन्स, ठीक है, बहुत सारे जीन्स का एक बड़ा सा ग्रुप, वही ये जीन लाइब्रेरी कहलाती है, ठीक है, यह बात आपको समझ के रखनी है। तो ठीक है, तो बहुत सारा मतलब यही हमारा मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल रेफर करता है इस वर्ल्ड को कि मतलब हमने किसी के जीन्स में कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं और जिससे हमारा नया नया एनिमल बन गया है,
ओके अब इसके फायदे क्या है, तो इतना सारा सा दिख के आपको डरना नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट फायदे बताता हूं। जी फिर देखो, पहली बात तो मेडिकल रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा कोई भी डीएनए का चेंज करके हमने एक ऐसा एनिमल बनाया जिसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, या कोई भी पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो हम क्या, जैसे कि अभी देखो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, तो हम पहले बंदर पे चेक किए, फिर हमने बहुत सारे और एनिमल्स पे हम चेक करते हैं, मासूम जानवरों को मार देते हैं यार हम लोग, बहुत गलत लोग करते हैं हम लोग, ठीक है। बट फिर भी क्या करें, इंसान है, हर लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपको मालूम ही होगा, एक दूसरे को अगर जिंदा रहना तो दूसरे को मार देते हैं एनिमल्स लोग, या कोई भी जानवर इस दुनिया में कोई भी रहने वाला इंसान भी है ना। तो अगर मान लो वैक्सीन कोरोना की बनानी है, तो हम लोगों ने पहले से बहुत सारे लोगों में टेस्ट किया, बहुत सारे इंसानों में टेस्ट किया, इंसान मारे गए, बहुत सारे मतलब हम लोगों ने वैक्सीन का टेस्ट किया बंदरों में, तो वो भी मारे गए है ना। तो मेडिकल रिसर्च के लिए भी हम बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब मेन क्यों चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर ओवर एक्सप्रेशन है या अंडर एक्सप्रेशन है जो हम वैक्सीन दे रहे हैं। अगर वैक्सीन का एक्सप्रेशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मर जाएगा बेचारा वो खुद ही, बट फिर भी हम चेक तो कर ही लेते हैं कि वैक्सीन काम की है या नहीं है। ऐसे टॉक्सिकोलॉजी में यानी कि बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्सिव टेस्ट देने के लिए एनिमल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैमेलियन का भी इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स को डेवलप करने के लिए। ऐसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे थोड़ा सा आपको पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जेनेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग चेंज लाने के लिए पूरे होल एनिमल में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम बदलाव ला सकते हैं ऐसा इस्तेमाल करके। बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर प्रोटीन का अगर आपको प्रोडक्शन करवाना है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल कर लो। ऐसे करते करते जेनेटिक इंजीनियर्ड हार्मोन्स का इस्तेमाल बना सकते हो आप लोग बायोजिक मिल्क मीट प्रोडक्शन, या जेनेटिक इंजीनियरिंग लिव स्टॉक्स में, या किसी भी एक्वा कल्चर यानी कि पानी में रहने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो आप ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी करवा सकते हो बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे कि कोई माइस है, कोई काऊ है, कोई आपका यहाँ पे मुर्गी मुर्गा जो भी है ये, ठीक है, और ये आपका फिश है, ठीक है। तो आप इन सब में से किसी का भी किसी भी पर्पज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखो ट्रांसजेनिक फाउल इसका इस्तेमाल करते हैं, अभी ना तो मुर्गी है ना मुर्गा है, ये है फाउल, ठीक है। अब आप ही बताओ इसका इस्तेमाल हमने ट्रांसजेनिक इसको क्यों किया। तो पहले किट आपको मैं ये आगे अभी पढ़ाऊंगा आपको, बट फिर भी पहले ही मैं आपको बता देता हूं इस डायग्राम से कि ये जो मुर्गी मुर्गा जो भी है यार मुझे नहीं मालूम है अब कौन, देखना पड़ेगा कि मुर्गी है कि मुर्गा है, लेकिन फिर भी चलो देख लो यहाँ पे। तो देखो क्या होता है ना कि पहले के जमाने में, पहले के टाइम पे या पहले के जमाने में क्या, अभी भी क्या होता था ना कि कम मीट मिलता है। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो मीट खाते हैं, मुर्गों का पता नहीं कौन कौन खाता है बट आई डोंट नो खाते हैं कुछ लोग, ठीक है, और बहुत सारे लोग अंडे भी खाते हैं, ठीक है। सो उन लोगों को ज्यादा अंडे का प्रोडक्शन हो, ज्यादा मीट निकल सके, तो नॉर्मल जो नेचुरल मुर्गी मुर्गा होते हैं उनमें से ना कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए ना क्या किया जाता है कि एकदम ऐसा ट्रांसजेनिक उसके अंदर सिस्टम लाया जाता है, ऐसे डीएनए में मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग जिससे कि ज्यादा मीट का प्रोडक्शन हो, समझ रहा है, ये बात आपको समझ के रखनी है, और ज्यादा एग्स भी दे सके। तो ऐसा हम लोग कर देते हैं इस इन मतलब इन एनिमल्स के अंदर, तो इन्हीं को हम ट्रांसजेनिक फिर कहते हैं, मुर्गी मुर्गा या फाउल आप कह सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे माइस है, तो माइस को तो चूहा को कोई खाता थोड़ी है, आई थिंक कोई खाता रहेगा तो आई डोंट नो यार, नॉन वेजिटेरियन कुछ भी खा सकते हैं मुझे नहीं पता, बट फिर भी अगर नहीं खाते उसे तो खाते कोई नहीं, बट फिर भी इसका मेन यूज रिसर्च के लिए होता है। ओके, ये बात आपको समझ के रखनी है यार, चाइना वाले तो और भी कुछ भी सकते हो लोग, भाई चूहा क्या चमगादड़ खा लेते हैं, तो चूहा तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो भाई नॉन वेजिटेरियन कुछ भी खा सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो अब चमगादड़ खा सकता है कोई, तो आप ही बताओ क्या हो सकता है। आप इमेजिन करो जरा यार, कोई चमगादड़ खा सकता है मतलब क्या है, अभी कह सकते हो आप लोग अब कि इंसान किसी भी हद तक जा सकता है ना। तो अभी देखो ये है हमारी फिश, फिश को तो सब लोग खाते ही रहेंगे, आई डोंट नो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, ठीक है। सो इनको भी अंदर जैसे देखो फिश से हमें मिलता है प्रोटीन, बट एक बात ध्यान रखना मिल्क से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है जो कि हमारी गाय हमारी माता है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो ये जो हमारा मतलब मिल्क है, तो मिल्क से ज्यादा प्रोटीन मिलता है लेकिन फिश से भी प्रोटीन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन लेने के लिए प्रोटीन रिच फिशेस को खाते हैं, बट इतने भी प्रोटीन नहीं मिल पाती, बस फिश खा जाते हैं। तो हमने उसके अंदर ट्रांसजेनिक फिश बनाई जिससे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाए, बहुत ज्यादा मसल्स पाए जाए फिशेस में। तो उसको भी आप प्रोटीन रिच फिश को खा सकते हो जो कि ट्रांसजेनिक होती होगी, उसे खा सकते हो आप लोग। ऐसे ट्रांसजेनिक काऊ के अंदर बायो रिएक्टर करके आप लोग ऐसी, देखो ये जर्सी गाय है, आपको क्या लगता है इसके अंदर व्हाइट और ये ब्लैक पैचेस क्यों है,
ऐसा हो सकता है कि ब्लैक वाले पैचेस से हमने क्रॉसिंग करवाई है ना, मेंडल वाला सिस्टम हमने पढ़ रखा है, हमने कुछ क्रॉसिंग करवाई हो, डीएनए का कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाया हो और ये जर्सी गाय बन गई। अब ये शाहीवाल है, जर्सी है, ऐसी बहुत सारी गाय होती है, हरियाणवी गाय, ये सारी जो काऊ होती है बहुत मिल्क देती है, ठीक है। तो और ऐसी गाय के जो ऐसी गाय के पास जो मिल्क होता है उन्हें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसी गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोटीन। तो प्योर वेजिटेरियन गाय का मिल्क जो पीते हैं उनको तो बीमारियां भी कभी नहीं होती है, ठीक है, ये भी तुमको ध्यान रखना है। तो खाओ यार, क्यों किसी फिशेस को खाते हो, किसी एनिमल को खाया जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा हमारे पास नेचुरली चीजें प्रोड्यूस है। अब देखो गाय का मिल्क पियोगे तो गाय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाय भी अगर मिल्क अपने पास रखेगी तो भी एक दिन मर जाएगी, तो हम उसका मिल्क निकाल के हम ले सकते हैं, उसके बदले हम गाय को खाना दे सकते हैं। लेकिन तुम फिश को खा जाओगे उसको क्या दोगे, फिश को खा के और एक्सक्रीटरी सिस्टम का इस्तेमाल करके निकाल के आ जाओगे और क्या। तो मत खाया करो, मेरे हिसाब से तो नहीं, तुम्हारा ओपिनियन तुम जानो यार, बस मेरा बताना काम है कि खाओ कि मत खाओ बस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। अब देखो जैसे कि कैंसर की अब तक दवाई बनी नहीं है, आप जानते हो व्हाट इज कैंसर। कैंसर मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यहां पे लिख लेना ग्रोथ ऑफ दिस सेल, ठीक है, यही होता है हमारा कैंसर। अब कैंसर की दवाई बनी नहीं है, हम लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं अभी भी कि भाई चलो टेस्टिंग से हमें कुछ मिल जाए और हमारा कुछ फायदा हो जाए, लेकिन अब तक इसकी दवाई नहीं बनी है। सो क्या है मतलब, तो इसके लिए हम लोग ना माइस का इस्तेमाल करते हैं। माइस मतलब चूहे का एक पार्ट होता है, चूहे जैसा ही एक दिखता है वही माइस है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आज भी हम कर रहे हैं, मतलब ऑन्कोजीन्स का इस्तेमाल करके। ऑन्को मतलब होता है कैंसर, मतलब कैंसर, ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन, जो जीन कैंसर कॉज करता है। क्या लगता है कैंसर कैसी बीमारी है? कैंसर एक जेनेटिक बीमारी ही आप इसे कह सकते हो, मतलब जेनेटिकली हमारे डीएनए में या कुछ ना कुछ जीन्स में ऐसा इश्यू हो जाता है जिससे कि हमारा एक सिंगल सेल बार बार माइटोटिक डिवीजन करने लगता है, माइटोसिस करने लगता है, और जिससे एक सेल से हजार सेल बनने लगती हैं, ऐसे बहुत सारे, और फिर वो सेल सड़ जाती हैं, तो फिर उससे जिस भी पार्ट में कैंसर होगा वहां पे पस भर जाता है, और फिर इसी को कहते हैं हम लोग कैंसर कहने लगते हैं, जो कि एक मैलिग्नेंसी आ जाती है इसके अंदर, यानी कि जहरीला पूरा बॉडी पार्ट बन जाता है। मैलिग्नेंट मतलब होता है जहरीला कैंसर, ठीक है, हमने कैंसर के बारे में ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ रखा है। तो ऐसे माइस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर के रिसर्च में, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यूएसए में माय डियर फिलिप लेडर करके एक साइंटिस्ट है जिन्हें लैबोरेटरियन आप इन्हें कह सकते हो, इन्होंने इस्तेमाल भी किया है। ऐसे बहुत सारे कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है, नॉर्मली फीमेल में होता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है मोस्टली ज्यादातर, और ये बहुत ही डेंजरस होता है यार, फीमेल्स लोग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है इस चीज में, ठीक है। मतलब क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑलरेडी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाते हैं अगर कैंसर होगा तो, क्योंकि ब्रेस्ट के सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, ऑलरेडी मिल्क प्रोडक्शन होता है तो मिल्क ऑटोमेटिकली पूरा पस बन जाएगा। अब मिल्क के पास कार्बोहाइड्रेट होता है तो और सड़ने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत डेंजरस होता है, बाद में ब्रेस्ट को कट करने की भी टेंशन आ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत डेंजरस होता है, तो ये आप समझ सकते हो क्या है। तो इसमें इसके ऊपर फिलिप लेडर के नाम का जो साइंटिस्ट जो भी है भाई, इन्होंने रिसर्च किया, लेकिन फिर भी दवाई तो अब तक नहीं बनी है, बिकॉज ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और जीन्स में ही कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं। अभी भी स्टडी चालू है कि कौन से इतने बड़े डीएनए में कौन से पार्ट को चेंज किया जाए कि हमारा ये कैंसर जो कॉज होता है वो ठीक हो जाए, अभी तक कुछ आइडिया नहीं किसी को भी, ठीक है। अब स्टडी करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो बंदा और अच्छा पढ़ेगा वही कुछ ना कुछ रिसर्च कर पाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है। तो ऑन्कोजीन्स जैसे कि माइस है, रास है, ये दो टाइप के एनालाइज्ड जीन्स पाए गए हैं जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आप इन्हें ठीक भी कर सकते हो बाय यूजिंग सम रिसर्च, बट अब तक कोई दवाई नहीं बन के आई, यही बात आपको समझ के रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स। अब देखो ऐसे ना क्या हुआ कि पहले तो ठीक है भाई कैंसर कॉजिंग के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमने सोचा कि यार क्यों ना हम फार्मिंग में भी इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। फार्मिंग मतलब कि जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जो मिल्क वगैरह जहां से मिलता है, जहां पे जैसे कि अभी अमूल दूध है तो वहां से बहुत सारे मिल्क का इंडस्ट्री होती है, तो वहां पे ऐसा। तो हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, इंटेंशन हमारा ये था कि रिसर्च करने के बाद हम ग्रेटर बेनिफिट्स लोगों को प्रोवाइड कर सके और डिसीज फ्री स्टेटस हमें मिले। तो ऐसा करने के लिए बिगिनिंग में स्टार्टिंग से हमने डेयरी सिस्टम के लिए, जैसे कि अभी हमने प्रोडक्शन किया ट्रांसजेनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके करीबन 2000 से लेकर 3000 लीटर तक का मिल्क। अब आप बताओ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूं, जस्ट दिस इज द जीके और ये कुछ नहीं है, इतना बात आपको मैं पहले बोलूं, दिस इज नॉट अ साइंस, दिस इज द जीके। मैं आपको अभी यहाँ पे जनरल नॉलेज दे रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना, ये मत बोलना कि कॉन्सेप्ट बताओ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताओ यार, ये तो हमारा जनरल नॉलेज है, ठीक है। तो करीबन 2000 से 3000 लीटर तक भी हम मिल्क इन अ ईयर इतना प्रोड्यूस करवा सकते हैं एक सिंगल गाय से।
आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो, मतलब एक सिंगल एनिमल से, ट्रांसजेनिक एनिमल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल होलिस्टीन काउ, ये हरियाणा में मोस्टली होती है, ये करीबन 6000 लीटर एवरेज देती है, और अगर ज्यादा दी तो 8000 से 10000 लीटर एक साल में, मतलब एक दिन में करीबन 20 लीटर दूध, यार इमेजिन नहीं कर सकते हो 20 लीटर दूध कौन पिएगा, और इतना प्रोटीन इतना न्यूट्रिशियस दूध की क्या बताऊं। तो एक होलिस्टीन खरीदो और मस्त मिल्क पियो गाय का, कितना प्रोटीन मिलता है यार, मजा आ जाएगा एकदम नहाने का उसी मिल्क में बैठ के, है ना, ऐसा होता है। ऐसे और भी हम फार्मिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी हैन या मुर्गा मुर्गी जो भी रहते हैं उनका इस्तेमाल करो तो 70 एग्स तुम लोग ले सकते हो पर डे, है ना। ऐसा करते करते एक साल में अगर नॉर्मल अगर आप लोगों को 250 एग्स भी मिलते हैं पर ईयर, है ना, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो मतलब पर डे 70-70 एग्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं, मतलब क्या है, मुर्गी है कि मशीन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब यार ट्रांसजेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अब हमने अपने हिसाब से, हम इंसान है और हमने लिमिट क्रॉस कर दिया और कुछ नहीं, मतलब हमने देखा कि डीएनए मिल चुका है मुर्गी का, कुछ मॉडिफाई करेंगे चलो हो जाएगा काम, तो हमने ऐसा कर दिया कि दिन दिन में 70-70 देने लग गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, मतलब ईयर कोई कोई 70-70 एक साल में देता है, ऐसा भी होता है, कोई कोई 250 अंडे एक साल में एक मुर्गी दे सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई कोई एक दिन में 10 अंडे भी दे सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, बस 10 अंडे पॉसिबल नहीं है, बट 70 अंडे एक साल में कोई देने वाले हैं, नॉर्मल जो नॉर्मल मुर्गियां होती हैं वो साल भर में 70 अंडे देते हैं, लेकिन इन मुर्गियों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, बट कुछ कुछ जो रहते हैं नेचुरली नहीं होते, तो आपने देखा रहेगा कुछ अंडे मशीन से बन के आते हैं, उनको तो खा के कुछ फायदा नहीं है, बाहर से फूक जाओगे अंदर कुछ नहीं रहेगा, एक झपट को मार देगा पट्टे से गिर जाओगे, तो ऐसे अंडे खा के भी फायदा क्या, तो मत खाया करो, एग भी खा के क्या मिलता है, इससे अच्छा एक होलिस्टीन ले लो मस्त, इतना सारा 20 लीटर दिन में दूध देगी, कितना पियोगे यार, दूध में नहाओगे तो भी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो मस्त गाय वगैरह खरीदो, उसकी सेवा करोगे तो फायदा भी होगा, है ना, तो सारी चीजें होती हैं, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका हम जीन ट्रांसफर इस्तेमाल करके, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे ब्रीडिंग वाले एनिमल्स को हमने प्रोड्यूस किया, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो फायदा क्या क्या हुआ, जैसे कि एफिशिएंसी मिली मीट प्रोडक्शन में, यानी मांस जो खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें नॉनवेज ज्यादा मिलने लग गया, जो क्वालिटी ऑफ मीट बढ़ी, मतलब पहले क्वालिटी मीट तो पहले मिलता था, किसी भी जानवर को मारोगे तो मांस तो मिलेगा ही, लेकिन मीट की क्वालिटी अच्छी मिलने लग गई, फिर क्या हुआ कि मिल्क की क्वालिटी बढ़ने लग गई, एग का प्रोडक्शन हुआ, वूल क्वालिटी यानी कि जो ऊन रहता है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ी, डिसीज भी खत्म होने लगी, जैसे कि काऊ का आजकल के टाइम पे मिल्क पीते हैं तो उसे डिसीज नहीं होता है, ठीक है, तो वही डिसीज रेजिस्टेंस भी होने लग गया, प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल में कम पैसे लगने लग गए, बायोलॉजिकल से मतलब जो होते हैं उनमें भी हमको कम कॉस्ट आने लग गया। तो सारी चीजें हैं, मतलब आप बस ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यही सब या एनिमल्स का यही सब फायदा होता है। ओके, ऐसे चलो और बताता हूं आपको, ट्रांसजेनिक कैटल्स होते हैं, जो कैटल तो आपको मालूम होगा ना, फूड प्रोडक्शन के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं कैटल का। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इन कैटल्स में ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे फूड प्रोडक्शन एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और जो रिसर्चर है वो बहुत सारे कॉपी भी बना चुके हैं लाइक बॉविन बीटा या कप्पा कैसीन, है ना, ऐसे डेयरी कैटल, ये नाम है हाँ, बॉविन बीटा और कप्पा कैसीन है, ये नाम है, तो इनका भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग है लाइक 8-20% इनके अंदर बीटा कैसीन, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और कप्पा कैसीन का भी, तो ये सारी चीजें मतलब जो है इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कैटल का हुआ है, जिनका फूड प्रोडक्शन में बहुत हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे देख लो, ट्रांसजेनिक कैटल के बारे में बात करते हैं, तो ये ह्यूमन थेरापियोटिक के लिए इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब दवाइयां वगैरह प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा थेरापियोटिक प्रोटीन का आप बना सकते हो मॉडिफाइड कैटल का इस्तेमाल करके, बहुत सारे प्रोटीन बना सकते हो आप लोग, ऐसे ह्यूमन प्रोटीन लाइक जो हमारे पास मिलते हैं लाइक लैक्टोफेरिन है, फिर ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन है, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन है, ह्यूमन बाइल, ये सब लीवर से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये अगर लीवर किसी भी प्रॉब्लम है तो आप इस मिल्क के फोर्टिफाइड, ये कैटल के फोर्टिफाइड प्रोटीन का आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसका लीवर बराबर फंक्शन कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी डेंजरस भी चीजें होती हैं तो ज्यादा डॉक्टर प्रिफर नहीं करते, बट फिर भी ट्रांसजेनिक कैटल का ये सारी चीजें तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेमरी ग्लैंड जो होता है काऊ का, उसके पास एक फैक्ट्री है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने की, मतलब उतना प्रोटीन तो एक मछली एक बार में ही प्रोटीन रखेगी अपने पास, लेकिन काऊ के जो वो मेमरी ग्लैंड होते हैं ना वो तो लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक काऊ है तब तक
प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी वो, तो ये ऐसी चीजें होती हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रांसजेनिक काऊ का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द प्रोटीन पर्पस और फॉर द थेरेप्यूटिक प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रांसजेनिक कैटल का इस्तेमाल होता है। ऐसे चलो शीप की बात करते हैं, ट्रांसजेनिक शीप की बात करते हैं, भाई ये क्या करता है। तो देखो ट्रांसजेनिक शीप में क्या होता है ना कि ये बहुत सारे ट्रांसजेनिक शीप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमने इसकी क्लोनिंग भी कर रखी है एक बार, डॉली फिश का आपको नाम याद होगा, तो क्लोन भी हमने कर रखा है, और ये बहुत सारी बेटर ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका बायो रिएक्टर्स के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, और तो और माय डियर ये ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मीट प्रोडक्शन में भी हम इसमें शीप का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताता हूं शीप का इस्तेमाल और कहां हो सकता है। आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोग ना शीप का इस्तेमाल गाइस सिर्फ और सिर्फ वूल के लिए ही कर सकते हैं, एज वेल एज सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रोडक्शन करने के लिए हम भी कर सकते हैं, इवन केराटिन को प्रोडक्शन करने के लिए भी हम कर सकते हैं। केराटिन जानते हो ना क्या होता है, आपके बालों में प्रेजेंट रहता है ऐसा प्रोटीन जो बालों को बढ़ाता हो, तो ऐसा इसका भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब बताओ शीप के पास कितने ऊन होता है, वूल है ना, जिससे शॉल वगैरह बनता है ना, तो वो शीप के पास कितने बाल होते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो है सारी चीजें हैं, ट्रांसजेनिक शीप का इस्तेमाल हम करेंगे, अब भविष्य में कब करेंगे क्या जाने। आगे ऐसे ट्रांसजेनिक पिग्स, देखो यार पिग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये यार सच में कहते हैं, अगर जो कह दो कि पिग्स ना यार सच में हार्ट, जो पिग्स का हार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इंसानों के जैसा इसका दिल होता है, मतलब पिग्स का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पिग्स जो होते हैं इनका हार्ट इंसानों जैसा होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पिग्स इंसान के लिए। कहते हैं आप देखो अपने मतलब पुराणों में अपने ग्रंथों में तो पिग्स को मतलब एक भगवान का रूप भी माना जाता है, क्योंकि इनका हार्ट इंसानों जैसा है, और ये बहुत सारे रीजंस है, वो यहाँ पे कहानियां नहीं सुनाऊंगा आपको, बट फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, क्या इस्तेमाल है आपको अभी समझ जाएगा साइंटिफिक तरीके से, अब साइंटिफिक प्रूवन भी देना पड़ेगा ना, तो आपको देता हूं। तो बहुत सारे इनके अंदर ग्रोथ और मीट, बहुत सारे लोग सुअर को खाते भी हैं, जो पिग्स होता है उसे खाते भी हैं, तो फिर भी तो मीट प्रोडक्शन के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं लोग जो नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं, ठीक है, तो ये तुमको समझ के रखना है। ओके, अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो पहली बात तो क्या है कि इसका जो हार्ट है इंसानों जैसा है, अगर इंसानों का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पिग्स का हार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इसके पास भी सेम साइज वाला हार्ट होता है, और तो और ओवर डिकेड यानी करीबन 10 सालों से या 100 सालों से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे सर्जरी के टाइम पे ह्यूमन हार्ट के जगह में पिग्स के हार्ट का, बिकॉज इसका साइज और इसके अंदर जैसे चार वेल्व्स होते हैं, फंक्शनिंग सब कुछ सिमिलर होता है एज इट इज टू ह्यूमन, ठीक है, जो पिग्स का दिल है वो एकदम इंसान जैसा होता है, ठीक है। तो अगर हम कभी कभी इंसानों के हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं विद द पिग्स हार्ट, तो ऐसे को हम कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो तो पिग्स के हार्ट को निकाल के आप लगा लो, आप जिंदा बच जाओगे और पिग्स मर जाएगा, समझ रहे हो। तब यही हुआ ना यार, पिग्स को मारोगे खुद का हार्ट लगा लोगे उसके में, उसका हार्ट निकाल के खुद में लगा लोगे, तो ये होता है पिग्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचो, ट्रांसजेनिक पिग्स का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हो। अब ट्रांसजेनिक क्यों बोला है, उसका डीएनए तो अलग रहेगा ना, फिर आप भी सुअर जैसा सोचोगे, समझ रहे हो ना, सुअर आप भी पिग्स जैसा सोचोगे। तो अब देखो क्या होता है ट्रांसजेनिक पिग्स जो है, अब यहाँ पे तुमको समझना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ट्रांसजेनिक पिग्स को समझने के लिए, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो कोई इंसान है, उसका डीएनए कुछ अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हार्ट अगर खराब होने वाला है तो हम इसके हार्ट का जो इसके अंदर का डीएनए उसको निकालेंगे और ट्रांसजेनिक मतलब जो पिग्स होंगे उसमें डाल देंगे, तो वो भी ट्रांसजेनिक बन जाएगा और उसका भी डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये फायदा होता है, फिर वो हमारा सेटलमेंट अच्छे से हो जाएगा, हमारे ऑर्गन उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, है ना। तो ऐसे होता है ना। ट्रांसजेनिक फिशेस की बात करते हैं, अब देखो ट्रांसजेनिक फिश वही है कि मतलब ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन, है ना, किसी किसी में कम प्रोटीन होता है तो इसमें ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे कमर्शियली पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऐसे फिशेस बनाए गए हैं, लाइक सैल्मन, कैटफिश, गोल्ड फिश, तिलापिया, जेब्रा फिश, कॉमन कार्प, मां भगवान, रेनबो ट्रॉट, कितने सारे बोलूंगे यार, ऐसे ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमने बहुत सारे फिशेस का प्रोडक्शन किया है, चिकन के लिए भी बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन किया है, प्रोटीन पाने के लिए किया है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक फिशेस का हमने प्रोडक्शन किया है, ठीक है। मतलब ये बहुत खतरनाक तरीके है जिससे कि हमको क्वांटिटी भी मिले प्लस क्वालिटी भी मिले और फिशेस से हमको प्रोटीन भी ज्यादा मिले, तो इसका इस्तेमाल हमने किया है ट्रांसजेनिक फिश के प्रोडक्शन में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, है ना। चलो आगे देखते हैं, ट्रांसजेनिक चिकन के बारे में जानते हैं। चिकन कहां से मिलता है, आई डोंट नो, आई थिंक शायद वो हैन मुर्गी मुर्गा काटने से मिलता रहेगा, ठीक है, बट ये आपको समझ के रखना है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये फॉरेन जीन्स को हम इसमें पहले एक्सप्रेस करवाते हैं, मतलब कि देखो एक छोटी सी प्यारी सी मुर्गी है,
उसके अंदर हम दूसरों का डीएनए डालते हैं, दूसरे मुर्गी मुर्गों का जो भी रहेगा यार, ठीक है, तो वो भी उसका जो आने वाला जनरेशन रहती है वो भी बड़ी बन जाती है और उसके पास ही बहुत ज्यादा चिकन आ जाता है, मतलब उसके पास ही बहुत ज्यादा मतलब कि यार मसल्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर इंसान लोग उसी को काट के खा जाते हैं उस बेचारे को, मतलब इतना इंसानों के पास ताकत आ चुकी है कि दूसरों को मार के खा जाओ, बट मुझे क्या करना है, खाओ मरो मेरा क्या है, ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। सो अभी आगे देखो तुम लोग यहाँ पे बस यार मत खाओ, मैं तो यही कहूंगा यार एज ए टीचर, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मत खाओ क्योंकि दूसरी चीजें अवेलेबल हैं, खाने से क्या मिलेगा दूसरों को मार के, ठीक है। चलो कोई नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम तो नहीं मारते ना यार, वो तो दुकान वाला मारता है, तो तुम लोग नहीं खरीदोगे दुकान वाला क्यों मारेगा, यही होता है ना। तो अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं भी अपने पास, है कि नहीं, तो ऐसे में अगर तुम्हारे पेपर का मार्क्स भी कोई चेक करे और कोई कम मार्क्स दे दे तो वो भी क्या बोलेगा कि वो तो मैंने नहीं दिया है, तो दूसरे ने मार्क्स कम दिया तो क्या किया जाए, तो फिर ऐसे हो जाता है ना अपने पास भी। हम लोग इसीलिए अनलकी होते, दूसरों को एक तो खाएंगे, फिर हमारे साथ जब प्रॉब्लम होगी तो कहेंगे किस्मत खराब है यार, हमने दूसरों के साथ गलत किया तो हमारे साथ तो गलत होगा ही ना, वो तो सिंपल सी बात है। आपने भगवान का नाम नहीं सुना है क्या, गीता में लिखा है कर्म है तो जैसा कर्म करोगे वैसे ही पाओगे, ठीक है, और ऐसा ही बोला गया है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचिराका, समझ रहे नहीं समझ रहे, मतलब कर्म प्रधान है, यानी कि अगर तुम कुछ काम करोगे तो उसका तुमको फल मिलने ही वाला है, चाहे अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, तो कर्म प्रधान मतलब कि प्रिंसिपल है वो कर्म, यानी तुम्हारे एक्शंस डीड्स तुम्हारे वही सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं और कोई भी नहीं, तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, कोई नहीं। यहाँ देखो फिर भी चलो, तो देखो फॉरेन जीन्स जो होता है ना, मतलब ट्रांसजेनिक चिकन्स में फॉरेन जीन्स का इस्तेमाल करके हम इनके अंदर बहुत सारे पहले मसल्स लाते हैं और फिर ऐसे चिकन्स का प्राइस बढ़ा करके दुकान वाले बेचते भी हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे बिल्ट इन मेकअप करते हैं जीन्स का, जेनेटिक मेकअप हम खुद से करते हैं, मतलब हम ऐसा जीन्स जानबूझ के उनके अंदर मॉडिफाई करते हैं जिसके अंदर बेटर फीड एफिशिएंसी हो, लोअर फैट हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब मेंटेन्ड हो, हाई प्रोटीन कंटेनिंग एग्स, ज्यादा प्रोटीन कंटेन करने वाले एग्स का प्रोडक्शन हो, मीट की अच्छी हो, तो ऐसा जीन्स का मेकअप हम खुद करते हैं, मतलब ऐसे जीन्स को हम खुद बनाते हैं उनके अंदर, हम नहीं बनाते मतलब हम मॉडिफाई करते हैं ऐसा यार, तो वो क्या होता है जब मॉडिफाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं और फिर ये सारी क्वालिटी हमें मिल जाती है जैसा हमें चाहिए होता है। तो ये होता है ट्रांसजेनिक चीजों के बारे में, मैंने आपको बता दी, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में बता दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बता दिया, और ये सब एप्लीकेशन है, जस्ट आपको रीडिंग करनी है। अभी बहुत सिंपल होता है, जब एग्जाम आने वाला रहेगा ना उसके पहले ही रीड करना, बाकी चैप्टर में कुछ दम है नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बायोपायरेसी एंड बायोएथिक्स, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान होने वाला है बायोपायरेसी वाला टॉपिक और बायोएथिक्स वाला टॉपिक। सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।